The students. In the last lecture of telemetry principles, we studied about the basic introduction types and structure of transmitters and receivers. From the very starting in the telemetry principle, I am telling you that in telemetry principle, basically, we have transmitter receiver and the channel between them in that case you can easily understand one point whenever you are talking about a transmitter there is a antenna for the transmitting part or the receiving part basically that antenna is very much required for the transmission. so first of all we are going to start with the antenna definition because uh, अगर आप एक चीज बहुत अच्छे से समझें जैसा कि आप अभी तक देखते आए हैं आपको कहीं पर भी किसी भी सिग्नल को ट्रांसमीट करना है या रिसीव करना है बेसिकली यू रिक्वायर्ड ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव में कन्वर्ट कर सके बिकॉज एज फॉर द डेफिनेशन ऑफ टेलीमेट्री आप किसी दूरस्थ स्थान पर किसी रिमोट लोकेशन पर लोकेटेड किसी भी सर्टिफिके किसी भी सेंसर से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ रीडिंग्स लेते हैं कुछ मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं एंड आफ्टर दैट मेजरमेंट यू आर कलेक्टिंग सम काइंड ऑफ डेटा और वो डेटा जो है वो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं सो so, जो भी आपका टेलीमेट्री का पार्ट है दैट इज बेसिकली ऑन द रिमोट लोकेशन मींस ऐसी जगह जहां पर हर कोई नहीं पहुंच सकता सो इन दैट केस यू आर मेंटेनिंग ए ट्रांसमीटर एट दैट साइड एंड रिसीव ऑन रिसीवर ऑन द अदर साइड बट उनके बीच में आपके चैनल है चैनल जिसके थ्रू आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इट मीन्स टू यूज दैट चैनल दो तरह से हो सकता है वायरलेस और वायर जब आप वायर चैनल की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में एक फिजिकल कनेक्शन होता है थ्रू द वायर वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वायरलेस इन दैट केस आपके पास जो भी सिग्नल आ रहा है आप उस सिग्नल को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपका सेंसर के थ्रू आया है वो डेटा जो आया है यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट डेटा इंटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वही एक ऐसी वेव्स हैं जो प्रकाश की लाइट की स्पीड के साथ दैट इज सी थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड वो बिना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट के कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती हैं सो एंटीना इज बेसिकली ए डिवाइस पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आप यहां पर जो देख पा रहे हैं ये एंटीना का सबसे बेसिक एग्जाम्पल है यू कैन सी दैट यहां पर आपका एक जनरेटर है दैट इज जनरेटिंग द वी वोल्टेज एंड दैट वी वोल्टेज इज कनेक्टेड विद ट्रांसमिशन लाइन जब आप क्या करेंगे इसके आउटर एंड को आप इसको ट्रांजिशन रीजन में बदल देंगे मीन आप उसको टर्मिनेट करने की बजाय किसी लोड के आप उसको ओपन एंडेड छोड़ेंगे इन दैट केस जो इसके अंदर ई एम फील्ड है ई e, एम जो फील्ड है ई एंड एच जो फील्ड है ई एम फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो उसको डायरेक्टली आपके एटमोस्फेयर के साथ रेडिएट कर देगा बिकॉज आप अच्छी तरह जानते हैं जब भी कहीं पर वी आर सेंड वी आर जस्ट हम लिविंग ए वायर इन टू द ओपन स्पेस वहां पर तीन चीजें हो सकती है या तो वो किसी भी जो इंफॉर्मेशन है उसे रेडिएट करेगा या फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे मतलब आपके एक तरह से Uh, उसको पूरी तरह से कह सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर उसको डिसिपेट कर देगा और या फिर उसके अंदर क्या होगा वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा बट एंटीना के अंदर हमारा सारा का सारा जो इलेक्ट्रो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है क्यों क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड बनने के बाद यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उस एप्लाइड वोल्टेज की वजह से एटमोसफेयर के अंदर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है सो so, ये आप अगर देख सकें तो आप यहां पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि बेसिकली कोई भी हो ट्रांसमीटर हो चाहे रिसीवर हो इन बोथ द केस हमें एंटीना का यूज पड़ेगा मींस एंटीना एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पे काम करती है इसका मतलब क्या हुआ अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटीना को प्लेस कर दें तो एंटीना के अक्रॉस इलेक्ट्रो फील्ड जनरेट होगा और उसकी वजह से उसके अदर एंड के ऊपर एक वी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा यानी कि एज पर द प्रोपोर्शनल ऑफ द ई एम फील्ड यहां पर आपका वी वोल्टेज इंड्यूस होगा ये किस में होगा रिसीवर में बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसमीटर तब यहां से सिग्नल अप्लाई किया जाएगा तो एंटीना उसको रेडिएट कर देगा इलेक्ट मीन्स आपका एंटीना दोनों साइड में काम करता है और दोनों साइड में काम करने की वजह से इसकी जो मेन प्रिंसिपल पे बात आता है ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे काम करता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे काम करता है तो आप जब इस पूरे मैटर की बात कर रहे हैं तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंटीना में यही होती है कि यही बनाती है एंटीना को आप पॉजिटिव और सॉरी एंटीना को आप ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों की तरह काम कर सकते हैं अब इसी के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताया गया देन आप बात करते हैं एंटीना के एग्जाम्पल्स की ये आपके सम काइंड ऑफ एंटीनाज है जैसे आप देख सकते हैं ये आपका सबसे पुराना और सबसे फेमस एंटीना है यागी उडा एंटीना घरों में टीवी चैनल के लिए लगाया जाता था शुरुआत में जब दूरदर्शन हुआ करता था इसके अंदर ये बेसिकली एंटीना एरे होता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे आप देख सकते हैं इसमें जो आपने फीड किया है वो एक पॉइंट पे किया है बाकी सब आपके पैसिव एलिमेंट्स हैं सिमिलरली ये जो दूसरा एंटीना है ये पैच एंटीना है ये पैच एंटीना तीसरा जो है वो एंटीना एरे है फेज एरे एंटीना है तो ये आपके अलग अलग टाइप्स है देन इनकी बात करते हैं ये आपके पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीनाज है ये आपका टीवी जो आप घर पे यूज करते हैं तो आप देखिए ये सब के सब एंटीना आपके ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों में काम आ रहे हैं और यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय दीज एंटीनाज दैट योर एंटीना आर गोइंग टू बी यूज्ड वाइडली इन दिस टेलीमेट्री प्रिंसिपल पार्ट देन आप जब आगे की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज वेन वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस एनी एंटीना इन द मेन एनवायरमेंट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन और हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दैटीना उसके कुछ फंडामेंटल characteristics ऑफ द एंटीना बिकॉज अब आप देखिए आपने एक एंटीना लगाया वो एक एंटीना किसी पर्टिकुलर साइड के अंदर किसी भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा और रिसीव कर रहा है मींस उसके बाकी किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी प्रोपोगेशन हो आपकी वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसमें आपको मैक्सिमम रेडिएशन चाहिए इसी तरीके से आपने कोई एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह यूज किया तो आप देखना चाहेंगे कि वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइड में जैसे मैंने यहां पर ये एक एंटीना प्लेस किया तो इस एंटीना के इस तरफ या इस तरफ या सामने या पीछे या ऊपर या नीचे किस तरफ किस तरीके से आपकी एनर्जी है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दूसरी चीज आती है कि आपका एंटीना है वो किस फ्रिक्वेंसी के लिए काम कर रहा है क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वी एल एफ या ई एल एफ एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी और ये आगे ऊपर जाते जाते आपका सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी उन उनपे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज में चली जाती है गी हर्ज की रेंज में इट मीनस यू हैव वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड एंड वेरियस फ्रीक्वेंसी रेंजेस एज पर योर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स सो आप जब इनको देखते हैं तो आपको इसके अंदर ये सारे फंडामेंटल्स हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी बैंड रेडिएशन पैटर्न फील्ड रीजन डायरेक्टिविटी एफिशिएंसी गेन, बीम विम्पिडेंस बैंड विथ पोलराइजेशन पोलराइजेशन ऑफ एंटीना इफेक्टिव एपरेचर, फ्रिश लॉ एंड एंटीना टेम्परेचर ये सबके सब पैरामीटर्स वो हैं जो आपके बेसिक एंटीना के डिजाइनिंग में काम आते हैं यू ऑल आर ऑलरेडी स्टडिंग दीज पार्ट इन टू योर एंटीना सब्जेक्ट बट As far as telemetry is concerned, some of them are very much required to understand here. That is why I am uh, taking all of them one by one. So, first of all, frequency and frequency band. When we are talking about the frequency and frequency band, actually, you can see that here we are dividing the complete frequency range as per the frequency allocation. So, you can see that we are starting from the extremely low frequency. सुपर लो फ्रीक्वेंसी देन अल्ट्रा देन वेरी लो देन लो मीडियम हाई वेरी हाई अल्ट्रा हाई सुपर हाई एंड एक्सट्रीम हाई देन द विजिबल स्पेक्ट्रम अब इस चार्ट को आपको अगर याद करना हो याद करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए आप यहां से तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं बट जब आप इस पार्ट में जाते हैं तो आप यहाँ क्या देखते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज है फ्रीक्वेंसी रेंज को आप शुरू करिए सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाती है फ्रीक्वेंसी की हर्ज हर्ज आपने लिखा थ्री टू थर्टी हर्ज लिखा उसके बाद आपने यह सिक्वेंस याद रखा आप सब में एक एक जीरो बढ़ाते जाइए देखिए यह थ्री टू थर्टी तो यह थर्टी टू थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड अब जैसे ही थ्री थाउजेंड आया वो बन गया तीन किलो हर्ज देन देखिए थ्री टू थर्टी किलो हर्ज सिमिलरली थ्री हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड किलो हर्ज मीन थ्री मेगा हर्ज देन ये थ्री मेगा बन गया सिमिलरली आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ थ्री गीगा और उसके आगे यहां जाते जाते विजिबल स्पेक्ट्रम में टेरा 400 हंड्रेड टेरा सो so बेसिकली आप देख सकते हैं ये सारी फ्रीक्वेंसी है जिनके लिए आपका एंटीना बन सकता है अब बेसिकली जो सबसे प्रैक्टिकल एंटीना होता है उसकी हाइट यानी कि हाइट ऑफ एंटीना अगर मैं बात करू लेना बाई फोर मीन जब आप बात कर रहे हैं लेमडा बाई फोर एंटीना की मीन्स अगर आपका कोई भी एंटीना जिसकी वेवलेंथ क्योंकि आप देखिए ये फ्रीकवेंसी है एफ़ ये है वेवलेंथ लेंथ लेमडा और फार्मूला होता है एफ इजिकल टू सी बाई लेमडा आप इस फार्मूला के थ्रू किसी भी फ्रिक्वेंसी के लिए वेवलेंथ निकाल सकते हैं वेवलेंथ के लिए फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी आपकी वेवलेंथ कम होगी वेवलेंथ कम होने की वजह से यहां पर देखिए आप जब आप जाते हैं मोबाइल फोन में तो वहां पे आता है टेन टू वन हंड्रेड सेंटीमीटर का आपका वेवलेंथ आता है मींस अगर आप उसका एंटीना डिजाइन करेंगे तो वो बनेगा टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का एंटीना इसीलिए अगर आपको याद हो तो शुरुआत के अंदर जब आपके मोबाइल फोन आए थे उनके ऊपर अराउंड सबसे छोटा टू जो एंटीना अलग से छोटा सा टुकड़ा निकला हुआ था अब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बैंड और ज्यादा बढ़ रहा है तो वो वेव और कम होती जा रही है तो एंटीना का साइज भी और कम होता जा रहा है तो ये सारे के सारे एंटीना एप्लीकेशन है आपके देखिए इस रेंज को आप अंडर वाटर के लिए काम लेते हैं इसे एसी पावर के लिए नेविगेशन बीकन्स के लिए ये आपका टेलीविजन के लिए ये सैटेलाइट के लिए एस्ट्रोनॉमी के लिए और ह्यूमन आई आपकी विजिबल को देख पाती है तो दीज ऑल आर अबाउट द एंटीना हाइट एंड एंटीना डिजाइनिंग एंड द फ्रीक्वेंसी बैंड वर्किंग टूवार रेडिएशन पैटर्न ये आप यहाँ पर देखिए रेडियशन पैटर्न की जब हम बात करते हैं मैंने आपको बताया अगर ये आपका एक एंटीना है ये एक एंटीना चारो तरफ कैसे आपके फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको अगर आपको देखना चाहते हैं तो वो आपका रेडिएशन पैटर्न होता है इसके अंदर देखिए ये एक्सिस जो है ये जेड एक्सिस है और बाकी दोनों एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है और इस तरफ वाई एक्सिस है तो आप देखते हैं आपके सामने यहां पर रेडिएशन पैटर्न होता है रेडिएशन पैटर्न इज बेसिकली ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेडिएशन इंटेंसिटी अराउंड द एंटीना सो रेडिएशन पैटर्न आपका एक्चुअली थ्री डी डायग्राम होता है आप इसको बनाएं भले ही डी में जब आप पेपर पे बनाते हैं इन दैट केस इट इज ए 2D डी बट एक्चुअली इट इज एशन डायग्राम सो यू कैन सी हेयर दैट इज ए बाई डायरेक्शनल एंटीना क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर दो साइड में एक्स एंड वाई डायरेक्शन के अंदर रेडिएशन आ रहा है जबकि डेड डायरेक्शन में रेडिएशन जीरो है तो ये आपका रेडिएशन पैटर्न होता है किसी भी एंटीना के लिए बहुत जरूरी होता है तबकि इसी से हम डिफाइन कर पाते हैं एंटीना है कैसा इसके आधार पे एंटीना की अगर हम बात करें तो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिडायरेक्शनल एंटीना देन बाई डायरेक्शनल एंटीना एंड थर्ड वन इज ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल जो एक ही तरफ दे एंटीना रेडिएशन देखिए यहां पर ये एंटीना सिर्फ एक ही साइड में डायरेक्शन दे रहा है बट अगर आप इसको देखें तो ये बाई डायरेक्शनल -direction, है ये दो साइड में रेडिएशन दे रहा है एक्स और वाई में सिमिलरली अगर हम इसके आगे करेंगे तो ओमनी डायरेक्शन मतलब जो चारों तरफ स्वीयर की फॉर्म में रेडिएशन दे रहा है तो रेडिएशन पैटर्न को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप देखिए ये आइडियली पॉसिबल नहीं है कि एंटीना सारा का सारा रेडिएशन एक ही साइड में दे उसका कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन अदर भी होता है बट वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है तो उसकी वजह से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है उसमें अलग अलग लोब्स बनती है जिस साइड में मेजर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरफ मेजर लोब होती है बाकी सारी साइड लोब्स होती हैं जो जस्ट बैक साइड में होती है उनको बैक लोब्स बोलते हैं और बाकियों को साइड लोब्स और वैसे देखा जाए तो ये मेजर लोब है और ये सारी की सारी माइनर लोब्स हैं और आपको इन्हीं के आधार पर आप किसी भी एंटीना की बीम विड निकाल सकते हैं जो कि दो तरह से हो सकती है फर्स्ट नल बीम एंड हाफ पावर बीम फर्स्ट नल बीम की हम बात करते हैं तो आप देखिए इस डायग्राम में ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये एक पर्टिकुलर दूसरा आपका पॉइंट है इन दोनों पॉइंट में आप देख रहे हैं इन बिटवीन देम देर इज ए पोजिशन जहां पर किसी तरह का कोई भी रेडिएशन नहीं है जीरो रेडिएशन है इसको बोलते हैं नल पोजिशन जहां पर कोई रेडिएशन नहीं है दोनों तरफ देखिए ये नल पोजीशन है यहां पर तो दोनों नल पोजीशन के बीच की जो यहां पर विड़ विड़ आ रही है है बीम 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 वो कहलाती फर्स्ट नल सिमिलरली अगर आप बात करें हाफ पावर की तो आप जैसे जैसे रेडिएशन पैटर्न में आगे की तरफ जाते हैं एक पॉइंट के ऊपर जाने के बाद वहां पर माइनस थ्री डीबी रह जाती है पावर तो जिस पॉइंट पे माइनस थ्री डी पावर रह जाती है वहां एक्चुअली पावर हाफ रह जाती है तो उस पॉइंट को जहां पे क्रॉस सेक्शन वो कर रहा है

एंटीना के जब हम फील्ड रीजन की बात करें तो बेसिकली देर आर थ्री रीजन फर्स्ट वन इन रिएक्टिव नियर फील्ड रेडिएटिंग नियर फील्ड और फ्रेनल रीजन और फार फील्ड और फ्रॉन ऑफर सो यू कैन सी दैट दिस इज द नियर फील्ड दिस इज द फार फील्ड दिस इज द मिडल वन रेडिएटिंग नियर फील्ड सो ये सारे के सारे फील्ड को इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं देन डायरेक्टिविटी डायरेक्टिविटी बेसिकली दैट इज ए फंडामेंटल एंटीना पैरामीटर और यह बताता है कि आपका एंटीना कितना एक साइड में डायरेक्शनल है जैसे आपने एंटीना यहां लगाया रिसेप्शन यहां है तो आपके एंटीना की मेनली सारी रेडिएशन इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए तो अगर वो उस डायरेक्शन में प्रॉपरली है इट मीनस एंटीना इज हाइली डायरेक्शनल मीन उसकी डायरेक्टिविटी ज्यादा है सो दैट एंटीना एंड एंटीना दैट रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन वुड हैव इफेक्टिवली जीरो डायरेक्शनलिटी एंड द डायरेक्टिविटी ऑफ द टाइप ऑफ एंटीना वुड बी वन मीन्स अगर सब डायरेक्शन में मैंने बताया ना तीन तरह के हैं यूनी बाई एंड ओमनी जब हम ओमनी की बात कर रहे हैं तो उस केस में उसकी डायरेक्टिविटी हो जाएगी वन सीधा सीधा याद रखिए मीन्स डायरेक्टिविटी इज ए टेक्निकल फंक्शन ऑफ द एंगल बट द एंगुलर वर्जन इज डिस्क्राइब बाई द रेडिएशन पैटर्न देन एंटीना एफिशियंसी एफिशिएंसी हम जानते ही हैं कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें आप कितना इनपुट देते हैं वो कितना आउटपुट देता उसका जो होता है उसका सो बेसिकली यहां पर एंटीना की पावर डिलीवर टू द विद इन द एंटीना द लॉसेस एसोसिएटेड विद एन एंटीना आर टिपिकलीफिशियंसी कैन बी रिटर्न ऑफ द रेडिएटेड पावर पावर इनपुट मीन्स अगर आप नीटा की बात करें तो रेडिएटेड पावर जो होगी पी आर अपॉन पी इनपुट जो होगी वो आपका रेडिएशन एफिशिएंसी हो एफ एंटीना एफिशिएंसी हो जाएगी देन गेन गेन इज बेसिकली अबाउट द पावर ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ पीक रेडिएशन आप गेन और डायरेक्टिविटी को समझ सकते हैं जी इज इक्वल टू नीटा डी ये फॉर्मूला होता है आपने एंटीना में पढ़ा होगा ये डायरेक्टिविटी है ये गेन है और नीटा एफिशिएंसी है सो so, आप यहां पे समझिए डायरेक्टिविटी तो यह बताती है कि आपका एंटीना कितना डायरेक्शनल है जबकि गेन ये बताता है कि कितनी पावर रेडिएट हुई है उस डायरेक्शन के अंदर सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर गेन देन वी टॉकिंग अबाउट द बीम एंड साइड लोब जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दैट दीज आर द एंटीना ये इसका आपका रेडिएशन पैटर्न है रेड कलर का इनके बीच में ये जो पोजिशन है ये आपकी बेसिकली क्या है जहां पर पावर आपकी जीरो पड़ रही है तो फर्स्ट नल बीम विड माइनस थ्री डी जो पॉइंट है देखिए ये यह पर आता है कट पे तो यहां पर जो पावर आएगी वो क्या आएगी हाफ पावर बीम सो ये मैं पहले ही बता चुका हूं बिटवीन फर्स्ट नल्स एंड ये क्या आपका हाफ पावर पॉइंट बिकॉज यहां पे कट डाउन हो रहा है तो यहां पर ये यह सारा मेजर लोब मैक्सिमम डायरेक्शन है सो so, एंटीनाक्स क्वानिटी वैल्यू है इमेजनरी पार्ट ये इसका, part, ये इसका uh, आपका क्या कहते हैं रियल पार्ट सो बैंडविट जो आई वो आपने वो फ्रिक्वेंसी रेंज डिफाइन की जो मैंने शुरू में बताया देन आप बात करते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना एक्चुअली ये एंटीना आपका हाईली हाइपोथेटिकल एंटीना है इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द आइसोट्रोपिक एंटीना एक्चुअली यहां कहां से शुरू होगा यह सारा का सारा मैटर आप जब भी किसी सिस्टम की बात करते हैं एक्चुअली योर सिस्टम इज गोइंग टू ट्रांसमिट द डेटा इन ऑल डायरेक्शन एक्चुअली ये ऐसा कहा जाता है एंटीना के लिए तो हम जब भी किसी बात करते हैं जैसे आपने जब विज्ञान की शुरुआत की थी इन योर वेरी फर्स्ट क्लासेस यू टॉक अबाउट द ब्लैक बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी आदर्श कृष्णी का हिंदी में कहें तो ब्लैक तो बॉडी की जब हम बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी कौन सी होती है जो पूरी तरह से लाइट को एब्सॉर्व कर ले सिमिलरली एंटीना भी दो तरह के हैं एक है प्रैक्टिकल एंटीना जो हम बनाते हैं यूज कर रहे हैं दूसरा है आइडियल एंटीना इस आइडियल एंटीना को हाइपोथेटिकल एंटीना और आइसोट्रोपिक एंटीना भी बोलते हैं अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करें तो आइसोट्रोपिक एंटीना वो होता है जिसमें आप जितनी पावर देंगे वो पूरी की पूरी पावर को रेडिएट कर देगा वहां किसी तरह के लॉसेज नहीं होंगे किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होगा ओनली रेडिएशन होगा मीन्स इसकी अगर आप डायरेक्टिविटी की बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी डी इज इक्वल टू वन और जो ये रेडिएट करेगा ये सब डायरेक्शन में इक्वल रेडिएट करेगा मीन्स आप कहीं पर भी कोई भी एंटीना की डेफिनेशन और एंटीना के बारे में आगे की बात करना चाहते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इस एंटीना को आपने यहां प्लेस किया इस एंटीना के चारों तरफ ये आपके अदर आउटर सर्किल्स हैं जो शो कर रहे हैं इस एंटीना को आपने जितनी भी फीडिंग दी उसने वो पूरा का पूरा रे, रे, रेडिएट कर दिया इन द आउटर एनवायरमेंट सो बेसिकली योर यइसोट्रॉपिक एंटीना इट इज ऑल्सो नॉन एज पॉइंट सोर्स इसको पॉइंट सोर्स भी बोलते हैं इसको पॉइंट सोर्स भी बोलते हैं हम ये भी बात ध्यान रखिएगा तो आइसोट्रोपिक हाइपोथेटिकल एंटीना आइडियल एंटीना पॉइंट एंटीना एंटीना ये सारे के सारे आइसोट्रोपिक एंटीना को ही कहते हैं तो ये फिजिकली रियलाइजेबल नहीं है बट इसका यूज रेफरेंस में ही होता है हर जगह सो so, ये अनदर पॉइंट है दैट इज द आइसोट्रोपिक एंटीना रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इट रेडिएशन पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्फीयर हु सेंटर कंसाइड विद द लोकेशन ऑफ द आइसोट्रोपिक रेडिएटर मींस ये आपका स्फीयर है इसके सेंटर के अंदर एंटीना पैरामीटर्स एंड वी अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन डिजाइन एन एंटीना एंड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एंटीना वाज व्हिच लेंथ इज 4 मीन्स एफ फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिट uh, या रिसीव करने के लिए हम एंटीना बनाना चाहते हैं तो एफ इजिकल टू सी बाई लेमडा इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसके लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और उस लेमडा की वैल्यू निकालने के बाद उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं एंटीना की लेमडा बाई फोर से तो इस तरीके से हमारा एंटीना की डिज़ाइनिंग शुरू होती है ये सारी चीज़ें इसलिए ज़्यादा जरूरी है हम अलग अलग तरह के टेलीमेट्री प्रिंसिपल्स में अलग अलग तरह के टेलीमेट्री सिस्टम्स बनाते हैं Each telemetry system is located in on a different type of environment and at that environment it is very much required that particular by that particular uh, 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 telemetry system कि हम वहां पर कैसा एंटीना यूज करें तो उस एंटीना के लिए क्या फ्रीकुन्सी बैंड होगी किस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हुए हम ये बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस एंटीना टाइप्स ऑन एज पर द एंटीना फंडामेंटल्स अब हम जो भी प्रैक्टिकल एंटीना है जिसमें यागी से शुरू होके आपका नॉर्मल डाइपोल एंटीना एंटीना एरे ग्रुप ऑफ एंटीना पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना ये सब की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए धन्यवाद आपका थैंक यू